वो भी बड़े अच्छी खिलाड़ी निकली, क्या खूब खेला उसने मेरे जज्बातों से। कौन है वो कमेंट करके आप लोग बताओगे। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज का सेशन शुरू होगा, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे पता है? जो आप लोगों ने बहुत सारे डाउट्स पूछ रखे हैं और दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल, जो मैं अधिकतर काफ़ी करवा भी चुका हूँ, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा और लास्ट तक और बड़े प्यार से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आइए। हाँ, तो पढ़े कहाँ तक हैं अब तक? काफ़ी सवाल हो चुके हैं, शायद कुछ सवाल हैं जो बहुत से बच्चों ने पूछा है अभी। जैसा कि इस सवाल को पूछा है चंदन प्रजापति, शिवम तिवारी, अनिल कुमार और संजीत कुमार, रोहित और सौरभ ग्रोवर इनका नाम है, अम्बरिका सिंह ऐसे कुछ नाम है इनका, थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, और प्रिया वर्मा। आगे बढ़े आप लोगों का डाउट लेकर के। चलिए, तो साथियों जैसे सिंपल वाला संख्याओं का हम लोग वर्गमूल करते हैं, वैसे इसका भी करते हैं, बस इसमें थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल थोड़ा सा, वो आपको समझने की ज़रूरत है। सभी बच्चे आ जाएं फिर हम आगे बढ़ें। आ गए सभी? चलो आ गए तो चलो आ जाओ। दिख रहा है ना यहाँ तक? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है आज का, बड़ा लाजवाब है। अंडर रूट 225 225604, इनका क्या करना है भैया? इनका वर्गमूल निकालना है। मैंने लिखा तो थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का है, लेकिन फिर भी जो भी है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग कर लेंगे, एक बार हाथ उठाओ। चलो कर लोगे पक्का? आओ, नहीं कर पाओगे क्या आप इंसान ही? तो पहले इनको ऐसे लिखते हैं, दशमलव लगाएंगे, 004 जो भी है, पीछे से दो दो अंकों का पेयर बनाते हैं मेरे भाई। ठीक है, समझना क्या करेंगे, पीछे से दो दो अंकों का पेयर बनाते हैं। लाइट मुझे बहुत कम लग रही है इस पे ना बोर्ड पे, क्यों? लो अब सही है, कुछ जागा? पीछे से दो दो अंक का पेयर बना लो ये। ठीक है, लास्ट में क्या बचेगा? एक अंक बचेगा, तो उसका एक अंक का ही पेयर बना देते हैं ये। कहते ना जिनकी शादी टाइम से नहीं होती है लास्ट में वैसे होती है, जैसे जो कपड़े अक्टूबर नवंबर में नहीं बिकते हैं वो फरवरी और मार्च की ठंडी में जा करके 80% डिस्काउंट में बेचे जाते हैं, समझ रहे हो? बिल्कुल वैसे ही, तो वैसे यहाँ पर होता है, पहले दो दो के पेयर बनाते हैं, लास्ट में जो बचता है उसका एक एक बन जाता है। अब क्या करते हैं, जो एक अंक का पेयर बना है ना, हम कोई एक ऐसी गिनती लेंगे जिसका वर्ग उस गिनती के बराबर हो या उससे कम हो, ज़्यादा ना हो, तो वो हो जाएगा वन। क्या हो जाएगा मेरे बाबू? वन हो जाएगा मेरे भाई। तो वन का स्क्वायर कितना होगा? वन ही होगा। ठीक है, इसमें से घटेगा किसमें से? ए ये रुकिए, मैंने ड्रग जाए यार, काय को परेशान करके रखा है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा एक एक दो, ये घटेगा इसमें से तो एक आएगा। अब इसका काम हो गया, वन बार गया था ऊपर भी वन लिख दो, ये आंसर होता है। ठीक है, दूसरा पेयर लिखोगे बाबू, नीचे उतारोगे दूसरा पेयर। दूसरा पेयर क्या था? 25 वाला। अब देखो अगर एक बार भाग ले जाएंगे तो ऐसे बनेगा 21, लेकिन एक बार तो बहुत कम है यार, कहाँ 21 कहाँ 125, तो एक बार में काम नहीं बनने वाला है, नहीं एक बार से कुछ नहीं होने वाला है, ज़्यादा बार जाएगा। देखो कैसे हम अंदाजा देंगे कि दो का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, तो दो का भाग 12 में 6 बार जाएगा, क्योंकि 2×6 = 12 होता है ना, लेकिन इसमें अगर 6 बार ले जाओगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 126 छक्का ज़्यादा हो जाएगा 125 से, तो आप 5 बार ले जाओगे मेरे भाई, तो 25×5=125, समझना। ये सब घट के 0, ये जुड़ेगा तो 5×5=10 हासिल, 1 और 2=3, इधर एक अंक लिखने की जगह छोड़ के यहाँ सारा काम डन हो गया। ये 5 बार गया था, 5 लिख लो ऊपर। अब क्या करोगे मेरे बाबू? अब दशमलव के बाद का जोड़ा उतारोगे यहाँ 60, लेकिन दशमलव के बाद जा रहे हो तो यहाँ पर दशमलव बढ़ा दो। अब देखो 30 है ना ये, इसमें अगर तुम एको बार भाग ले जाओगे ना भैया, तो ये 301 बन जाएगा, जैसा शुरू से पढ़ रहे हो,
301 बन जाएगा, एक यहां लिखोगे एक यहां लिखोगे हाँ, तो क्या हो जाएगा 301, ये क्या है 60 है, एक जोड़ा और मांग रहा है ऊपर से, एक जोड़े में काम नहीं चल रहा है, तो यह जोड़ा यहां उतार लोगे, लेकिन जब दो जोड़ा साथे में उतार रहे हो तो ऊपर जीरो बढ़ाओगे, डन। अब कितनी बार जाएगा, अब आप ट्राई करोगे कि 30 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, सिंपल है, दो बार जाएगा, 30 का भाग 60 में दो बार जाएगा, तो चलो दो बार ले जाओ, यहाँ पे दो लिखो, तो 2 दूना 4, 2 0 0, 2 3 6, यार कुछ गड़बड़ हो रहा है का, एक मिनट देखो, कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बता देना मुझे, कुछ गड़बड़ हो रहा है का कि नहीं हो रहा है, यहाँ एक जीरो और बढ़ेगा, एक मिनट रुको, सॉरी एक मिनट थोड़ा रुको 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 थोड़ा रुको, यहाँ पे क्या है वो समझना, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, ऊपर तो जो ले गए ठीक है, देखो जब ये जुड़ा तो 5 5 कितना आया 10 ना, समझना थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये जुड़ा 5 5 10 हाँसी ले, 2 1 3 30 सही है, हमने क्या किया जब इसमें भाग नहीं जा रहा था तो 0 4 नीचे उतार लिया, ऊपर भी 0 ले गए ना मेरे भाई, ऊपर 0 ले गए ना, तो यहाँ भी 0 बढ़ाते हैं बगलिया में, ये बात भी याद रखना ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे बगलिया में 0 बढ़ाएंगे ठीक है। अब हाँ अब क्या करोगे, 2 बार आप ले जा सकते हो, चलो अब 2 बार ले जाओ, 3 00 2 होगा यहाँ पे, 3 और 00 2, 2 बार भाग ले जाने की ये मतलब है, अब 2 2 4 0 0 2 3 6, ये घट गया सब खत्म हो गया, ऊपर 2 गया था, यानी इसका आंसर आ गया 15.02, ये इसका आंसर आ गया ऊपर वाले का, इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है। किसी को कोई डाउट और तकलीफ है तो बता दो मुझे कमेंट करके, फटाफट बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, तो ये क्या था मेरे भाई, ये था भाग विधि से वर्गमूल, क्या था भाग विधि से वर्गमूल है ना, थोड़ा इसको पीछे करो गंदा लग रहा है, अब सही है बोलो बोलो, काहे को परेशान हो बोलो ना, चलो एक बार लिख दूं यहाँ पे, क्या लिख लो लिख लो लिख लो जल्दी लिख लो, भाग विधि से दशमलव संख्या का वर्गमूल, अपना डाउट कमेंट करो फटाफट, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट आएगा, कमेंट करो जल्दी जल्दी, चलो करो कमेंट करो, आगे बढ़े, हो गया डन, चलो लिख लो लिख लो, इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट लेके आएंगे, कमेंट करके पूछो, चलो हो गया डन।